जब निकोला टेस्ला ने जब जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो तीन नंबर्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, और जब लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया तो बेहतरीन रिजल्ट भी आए, और इसीलिए ये टेक्निक आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। जब कभी भी आप किसी भी वक्त भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं तो आपको वापस से डे वन से स्टार्ट करना होता है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, उन लोगों को टेक्निक्स के बारे में सही से नहीं पता होता या उनको प्रोसेस के बारे में सही से पता नहीं होता, और इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर पाता, उनके फेवर में काम नहीं कर पाता। और यही कारण है कि आज के हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस में मैं ऑलमोस्ट 10 सालों से ज़्यादा से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैंने बहुत लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स पाते हुए देखा है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है जो किसी के लिए भी करना और किसी के लिए भी समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत सारे लोग इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, बट कई जगह थोड़ी मिस इंटरप्रिटेशन है, इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है। तो उसी क्लैरिटी की वजह से आज हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को इसका मतलब पूरी तरीके से समझ में आ सके और लोग इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 369 क्या है। 369 जो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी निकोला टेस्ला जी से। जब निकोला टेस्ला ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे तो वो तीन नंबर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, 3, 6 और 9। और इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, बहुत सारी फिजिक्स है कि उन्होंने इसको एक्चुअली में ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी वो किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने जाते थे वो इन तीनों नंबर को लेकर ही काम करते थे, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती थी तो उसके बाद इन्हीं नंबर के द्वारा उनकी टेस्टिंग की जाती थी। और इसी वजह से कहा जाता है कि निकोला टेस्ला इतने सक्सेसफुल इसलिए बने, उनके एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा सफल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इन तीन नंबर्स को हमेशा अपने साथ रखा। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कनेक्टेड है। जब भी निकोला टेस्ला जब 369 को अपने माइंड में रखते थे, वो पहले वो रिजल्ट विजुलाइज करते थे जो उन्हें अल्टीमेटली चाहिए, और उसके बाद उन नंबर्स के साथ काम करना शुरू करते थे। उसी वजह से मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इन तीन नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, और वहीं से 369 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक निकल कर आई। और जब लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो बेहतरीन रिजल्ट भी आए, और इसीलिए ये टेक्निक आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसको हर कोई अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है। अभी 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला, ये जो टेक्निक है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपनी लाइफ की अफर्मेशंस को लिखना होता है, अपनी लाइफ की विशेस, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप लाइफ में अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, उनको लिखना होता है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि अफर्मेशंस को कैसे लिखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेशंस को कैसे लिखा जाता है, अफर्मेशन को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है जैसे वो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुके, मैं ऑलरेडी उन चीज़ों को अचीव कर चुका हूँ। जैसे मैं अगर कोई अचीव करना चाहता हूँ, जैसे मैं जॉब पक्को पाना चाहता हूँ, या किसी लाइफ पार्टनर को चाहता हूँ, या अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं उस अफर्मेशन को उस तरीके से लिखूंगा कि जैसे वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, जैसे वो जॉब मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, जैसे वो लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मेरे साथ रह रहा है, जैसे मैं अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा ऑलरेडी महसूस कर रहा हूँ। ये सोच के साथ आप उस अफर्मेशन को लिखते हो। जैसे कि अगर आप अपनी मनचाही जॉब को चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड, मुझे मेरे सपनों की जॉब मिल गई, थैंक यू। अब आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भी ऐड कर सकते हैं, आप कितना सैलरी पैकेज चाहते हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड, मुझे इन्फोसिस से ऑफर लेटर रिसीव हुआ जिसपे मेरा सालाना पैकेज 10 लाख रुपए है, थैंक यू। आप ये एक छोटी सी सिंपल सी अफर्मेशन मिल सकते हैं, और इसी अफर्मेशन को आप हर जगह पर भी लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेम अफर्मेशन सेल को अपना कर। तो अफर्मेशन का लिखना और उसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक है बात है अफर्मेशन की, सेम अगर हम बात करें लाइफ पार्टनर के लिए, हम बात करें जॉब के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी अफर्मेशन का सेम तरीके से होना
बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही सिंपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा क्या जरूरी होता है, इसके अलावा जरूरी है कि जब आप उस अफर्मेशन को लिख रहे हो आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं, आपके अंदर के इमोशंस कैसे। बहुत बार लोग जो ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम अफर्मेशन तो लिख रहे हैं लेकिन वो एक काम की तरह कर रहे हैं, और यहां पर लोग मिस कर जाते हैं। आप जब उसको लिख रहे हो तो आपकी भावनाएं आपके इमोशन वैसे ही होने चाहिए जैसे वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप अंदर से कैसा महसूस करेंगे। तो ये फीलिंग और ये इमोशंस को महसूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अफर्मेशन के लिए, किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के लिए। ठीक है, तो आप कैसा महसूस करें, तो आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 369 को अफर्मेशन के साथ कैसे मिक्स किया जाए। एक्चुअली 369 का मतलब क्या है कि जब भी आप अफर्मेशन को लिखते हैं उसको आप दिन में 3 बार लिखेंगे, सुबह 3 बार लिखेंगे, दोपहर में 6 बार लिखेंगे, 6 का मतलब है 6 बार, और रात को सेम अफर्मेशन को आप 9 बार लिखेंगे। ठीक है, तो सेम अफर्मेशन को, जैसे मान लो जॉब किए तो वही अफर्मेशन को सुबह 3 बार लिखा, एक ही लाइन को 3 बार, सेम लाइन को दोपहर में 6 बार, सेम लाइन को रात को 9 बार। और ये आपको कितने दिन करना होता है, ये आपको मिनिमम 45 डेज, 45 दिनों तक आपको इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को करना होता है। जब कभी भी आप किसी भी वक्त भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं तो आपको वापस से day 1 से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये टेक्निक अपना रहे होते हैं आप इसमें मल्टीपल अफर्मेशन नहीं लिख सकते, अलग अलग चीजों के लिए अफर्मेशन नहीं लिख सकते। ये कहा जाता है कि जब आप इस टेक्निक को अपना रहे हैं अगर वो ड्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी मिक्स मत कीजिए, इसमें एक ही ड्रीम को रखिए और एक ही मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस में डालिए और उसी को 45 डेज तक लगातार करते रहिए बिना चेंज किए, बिना मॉडिफाई किए, ताकि उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक ना आए। तो इन गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में 369 टेक्निक को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस टेक्निक को अपनाना भी और समझना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इसको बहुत ही इजीली अपना सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, इमोशन के साथ उस राइटिंग को लिखना है, और आई एम श्योर आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं इस टेक्निक को अपनाकर। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है कि हमारा दिल्ली में पहला इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है मैजिक, जो कि बेस्ड होगा पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। ये एक वन डे इवेंट है और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग आएं और इस इवेंट को अटेंड करें और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊं, मैं आपको समझा पाऊं, आपको वो एक्सपीरियंस दे पाऊं, ताकि आप अपना पूरे लाइफ का रोड मैप डिसाइड कर सकें कि आगे आपको पूरी जिंदगी, ना कि 1 महीना, ना कि 2 महीना, आप अपनी पूरी जिंदगी को किस तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, उसमें एक्सप्लेन की जाएंगी और वो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और आई एम श्योर आप समझते हैं कि जब एक कोई भी इवेंट लाइव होता है, फेस टू फेस होता है, उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो ये इवेंट हम करने जा रहे हैं, ये एक सपने जैसा है मेरे लिए और हम इसको करने जा रहे हैं, और आई एम श्योर ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, एंड आई विल सी यू इन द इवेंट। ऑल द बेस्ट।